हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा आयुष काउंसलिंग के बारे में, जिसमें कोर्सेज आते हैं बीएमएस और बीएचएमएस। तो यहाँ पे बीयूएमएस नहीं है, आपको किसी और स्टेट में वो ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की तरफ से नोटिफिकेशन है, शेड्यूल है काउंसलिंग का 2020-21 का। तो मैं आपको बढ़ के बताने वाला हूँ वो क्या शेड्यूल है। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। तो रजिस्ट्रेशन जो और कॉलेज की जो प्रेफरेंस फिलिंग होगी वो 11th से स्टार्ट हो चुकी है और ये 18 जनवरी 2021 तक चलने वाली है, शाम 5 बजे तक। और जो वेबसाइट रहेगी वो skau.ac.in, ठीक है। इस दिन आपकी होने रजिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब यहाँ पे कॉलेज के प्रेफरेंस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये अगला पॉइंट देख लेते हैं, मेडिकल बोर्ड फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एट पीजेएमएस। तो जिनका भी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं या जो भी हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं वो जाके यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन यहाँ पे करा सकते हैं, अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से ले सकते हैं 12th जनवरी 2021 को, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्या है, डिस्प्ले ऑफ एलिजिबल नॉन एलिजिबल यानी कि इन एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेज। तो जो एलिजिबल होंगे और जो इन एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी 19 जैन को, ठीक है। वो लिस्ट आ जाएगी, उससे आप वेरीफाई हो जाएगा कि आप आगे जा सकते हैं, काउंसलिंग का पार्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगला पॉइंट है ग्रीवेंस ऑन एलिजिबल इन एलिजिबल कैंडिडेट। अगर उनसे कोई लगता है कि गलती हो गई है, अगर आप क्वालिफाई हैं तब भी यहाँ पे नॉन क्वालिफाई दिखा रखा और आपको इनएलिजिबल कर दिया गया, तो यहाँ पे आप ग्रीवेंस फॉर्म होता है वहां पे जाके आप ये मेल कर सकते हैं। आईडी दे रखी है gr.skau.hry@gmail.com। ये होगा आपका 20th को दोपहर 2 बजे तक चलने वाला है। अब ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट, अब आपको जो ऑनलाइन एलोकेशन जो आपको एलोटेड होगा कॉलेज वो 21st को आपको पता लग जाएगा, ठीक है, 21st जैन 2021 को, और ये प्रोविजनल होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रोविजनल लिस्ट में अगर कोई भी गलती लग रही है तो आप यहाँ पे मेल करके इसको करेक्ट करा सकते हैं 22nd को। और जो फाइनल एलोकेशन होगी सीट की वो 23rd जैन को आ जाएगी कन्फर्म। उसके बाद क्या करना होगा, तो आपके पास जैसे कॉलेज आ जाती है एलोकेशन आ जाती है यानी कि अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं कॉलेज में जाके, ठीक है। कोई नहीं आके आपने ये कर लिया काम, फिर क्या करना होगा, ऑनलाइन अप्रूवल बाय दी कॉलेज। आपको एक ऑनलाइन अप्रूवल मिल जाएगा कॉलेज की तरफ से कि हाँ आपको एडमिशन मिल चुका है। अब आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ट्यूशन फीस बाय दी कैंडिडेट फ्रॉम द गेटवे टू द यूनिवर्सिटी। तो अब आपको यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो पे करनी होगी, जो उनका गेटवे होता है यूनिवर्सिटी का उसके थ्रू, वहां पे एक पेमेंट होता है, मेथड होता है, वहां से आप कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ फीस रिसीव टू द कंसर्न कॉलेज। अब जो आप वहां पे फीस सबमिट कराएंगे, अब जो उसकी एक फीस रिसिप्ट मिलेगी वो जाके अपने कॉलेज में दे देनी है और आपकी उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब ये वो कब होगा, 25th जैन से लेकर 27th जैन 2021 तक, इन 2 दिन में आपने ये सब काम करना है, आपको कॉलेज मिलने के बाद की बात है, ठीक है। आप नीचे देख लेते हैं और क्या बातें लिखी है यहाँ पे। तो देखो ये बीसी ए कैटेगरी होती है, बीसी बी कैटेगरी, तो इनको आपको वहां पे सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, 6 लाख तक की आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम है। तो और बाकी के यहाँ पे देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं खुद से, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा इस पीडीएफ को, वहां से आप देख सकते हैं और वहां पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और देखो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेजेस पार्ट लेने वाले हैं वह श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज कुरुक्षेत्र है, इसमें सीट्स हैं 63। अगला है श्री मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बीपीएस महिला विश्वविद्यालय। तो ये स्पेशली फॉर गर्ल्स है, ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, तो जिसकी सीट्स हैं टोटल वो है 75। ये है सोनीपत में। अगला कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इसमें भी नाम से समझ आ रहा है महिला, तो ये भी ये कॉलेज है, ये गर्ल्स के लिए स्पेशली, और ये प्राइवेट है, ठीक है। अब जो ऊपर के दो हैं वो है गवर्नमेंट, लेकिन जो एक गवर्नमेंट है श्री कृष्णा, ये दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, और जो सेकंड है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है। अब जो थर्ड वाला है वो प्राइवेट कॉलेज है स्पेशली गर्ल्स के लिए, बीएमएस का है, 50 सीट्स हैं इसके अंदर। तो अगला कॉलेज है जेआर किसान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदर नगर रोहतक में। तो ये बीएचएमएस का कॉलेज है, 50 सीट्स है, और ये सिर्फ एक ही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है हरियाणा में। तो देखो ये सारी बातें लिखी है यहाँ पे, आपको ये चीजें पढ़ लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।